News24 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि भूमि पूजन में शामिल होने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में चांदी का सिक्का दिया जाएगा, जिसके एक तरफ राम दरबार है और दूसरी तरफ ट्रस्ट का प्रतीक चिन्ह है। ये चांदी का सिक्का सभी मेहमानों को दिया जाएगा। तो News24 पर यह एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या की संपूर्ण कवरेज News24 लगातार कर रहा है और भगवान राम के अयोध्या पूरी रंग चुकी है और यहां पर जो लोग शामिल होंगे उन्हें ये चांदी का सिक्का दिया जाएगा। अमित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, जो एक्सक्लूसिव जानकारी News24 के पास है चांदी के सिक्के को लेकर, क्या जानकारी है उसके पास? सबसे बड़ी बात ये News24 पे पहली तस्वीर है जो ये चांदी का सिक्का है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर News24 दिखा रहा है कि ये जो चांदी का सिक्का है ये हर वो मेहमान जो कि उस कार्यक्रम में जो 5 अगस्त को होने वाला है भूमि पूजन कार्यक्रम में उसमें शामिल होगा, उसमें ट्रस्ट की तरफ से उन्हें ये तोहफा दिया जाएगा एक तरह से और शामिल होने के बदले दिया जाएगा। और उसमें जो दो चीजें, एक तरफ तो राम सीता लक्ष्मण और उनके उनके पैरों पर हनुमान जी हैं तो ये एक तस्वीर होगी, तो दूसरे तरफ जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसकी उसका जो लोगो है वो बना होगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव फोटो है उस चांदी के सिक्के की जो जन्मभूमि में शामिल होने वाले तमाम मेहमानों को दिया जाने वाला है। और पूजन को लेकर की बात करें और अभी फिलहाल क्या कुछ खास चल रहा है अयोध्या में? अमित, देखिए यहाँ पर पूजा जो था वो खत्म हो चुका है, अब राम अर्जन पूजा वहाँ पर जन्मभूमि में हो रहा है, जजमान जो है वो वहाँ पर पूजा शुरू हो चुकी है और एक परंपरा रही है कि पहले जो है हनुमान जी की पूजा की जाती है और इसके बाद ही रामलला की पूजा होती है। और आमतौर पे ये कहा भी जाता है कि एक तरह से अर्जी लगाई जाती है हनुमान जी के पास और इसके बाद ही आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री भी उसी परंपरा को निर्वाह करेंगे जब यहाँ पर आएंगे पहले दर्शन करने के लिए। तो उसी परंपरा के तहत थोड़ी देर पहले यहाँ पर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा हुई, पूजा अर्चना की, बाकायदा जो ट्रस्ट के लोग और विश्व हिंदू परिषद से यहाँ पर दिनेश जी थे और इसके अलावा अशोक तिवारी जी, वो दोनों यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने पूजा अर्चना की, 11 पंडितों ने वहाँ पर हवन किया, आरती की, जो जो चिन्ह होता है जो प्रतीक के तौर पर जो पताका को की पूजा होती है तो वो पूजा अर्चना कंप्लीट हो गई और अब जो अयोध्या में जो जन्मभूमि है जहाँ पर वहाँ पर कल मुख्य कार्यक्रम है इसीलिए अब वो पूजा शुरू हो गई है जो कि राम अर्चन पूजा होती है। और अमित, आज शाम को जो कार्यक्रम होना है अयोध्या में उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं? पूरे अगर आप में बात करें अयोध्या में जैसे ही आप आएंगे अयोध्या के भीतर बहुत चलिए ठीक है अमित, लगातार जानकारी हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस अहम जानकारी के लिए।